शांत, धन्यवाद। अनऑर्गेनाइज वर्कर के साथियों, आपका अभिनंदन ले लिया। सम्मानित मंच, हमारे सेक्रेटरी जनरल ने आदेश दिया कि मैं 5 मिनट तक ही बोलूं, तो मैं एक गलती कर सकता हूं कि जो बहुत सारे वरिष्ठ नेता हों, नाम से सम्मान नहीं, सबको एक ही सम्मान, समस्त मंच को सम्मान पेश करते हुए मैं अग्निपथ के बारे में बोलने के लिए आदेश दिया है गोहिल भाई जी ने। नौकरी अगर न होती तो मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था और बड़े गरीब घर में, और उसी नौकरी की वजह से मैं IRS बना और एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स के पद से इस्तीफा दे दिया। मैं कहना यह चाहता हूं कि इस देश के नौजवानों, इस देश के दलितों, पिछड़ों को RSS की सरकार गुलाम बनाना चाहती है, इनको नौकरी देना नहीं चाहती है। इसके पीछे षड्यंत्र यही है, प्राइवेटाइजेशन, कंट्रैक्चुअल, इस तरह का षड्यंत्र है, इसको समझने की जरूरत है। इतिहास ने एक बड़ी गलती करी है, उस गलती को अगर दलित आदिवासी ने सुधारा नहीं तो 2025 में RSS का 100 वर्ष पूरा हो रहा है, यह संविधान बदल जाएगा, यह संविधान नहीं रह पाएगा। संविधान के तमाम पन्ने फाड़े जा चुके हैं, what will remain इज अ कबर, एंड द कबर ऑल्सो विल बी वाइप्ड आउट वन डे। Let the RSS complete its century if they succeed 2024। ये मैं कोई भड़काने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सच्चाई है। हम लोगों की मीटिंग हमारे सेक्रेटरी जनरल वेणुगोपाल जी ले रहे थे, उनके माथे पर चिंता की लकीर कि लोग, भारतीय जनता पार्टी और मीडिया समझती है कि कांग्रेस के पास लोग नहीं हैं। तो आज मैं मीडिया को बता देना चाहता हूं, अगर गुड़गांव का रास्ता, गाजियाबाद का रास्ता, करनाल का रास्ता और दिल्ली के रास्ते न होते, 1 लाख लोग आ जाते हैं यहां पर। आज मैं सुबह से मॉनिटरिंग कर रहा हूं, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, कैसे तैसे निकल के लेके 200-400 लोगों को पहुँच सका, लोगों को रोक दिया गया है। तो जो मोदी जी को, RSS को गलतफहमी है कि कांग्रेस के पास ताकत नहीं है, मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस को छेड़ करके आपने कांग्रेस को जिंदा कर दिया, कांग्रेस को ताकत आपने दे दिया। हम अपने नेता के सम्मान में नहीं आएंगे, पार्टी के सम्मान में नहीं आएंगे तो हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है, राजनीति में रहने का ही मतलब नहीं है। अगर हमारे गेट को तोड़ करके पुलिस घुस जाती है, हमारे नेता को झूठे केस में बुला बुला के पूछताछ किया जाता है, मैं IRS ऑफिसर रहा हूँ, फाइनेंशियल रेगुलेटरी को जानता हूँ, इसके अंदर एक भी पैसा का कोई इरेगुलरिटीज नहीं है। केवल राहुल गांधी जी को बदनाम करना, क्योंकि राहुल गांधी जी ही इस देश में विकल्प हैं और कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं। बैठे हर बंदगी नहीं बैठ, किसी और के पास हिम्मत नहीं है। महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, सब सारे मुद्दों पर उन्होंने, संविधान भी अगर कोई बचा सकता है तो जिस पार्टी ने संविधान बनवाया था, 11 दिसंबर 1948 में भारत के संविधान को RSS ने जलाया था, बाबा साहब की चित्र को जला करके निंदा किया था, और इसी गोलवर्कर जी ने कहा था
कि भारत का संविधान कांग्रेस और अंबेडकर ने जो बनाया है इसमें भारतीयता तो है ही नहीं है, पूरे दुनिया के देशों का नकल है, ये संविधान को नहीं मानते हैं। इसलिए आप सावधान हो जाइए कि लड़ाई आगे बहुत लंबी है और यहाँ से हिलना नहीं है जब तक आदेश नहीं दिया जाता है। संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, नौकरी खतरे में है। एक मिनट में और लूँगा। एक बहुत बड़ी बात कल हुई, जो लोग इस देश में भ्रमित थे, कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम किया। अगर मैं कहूँ SC ST का, OBC का, सबका अगर उद्धार किया तो कांग्रेस नहीं, संविधान को इम्प्लीमेंट किया तो कांग्रेस ने, स्पेशल ड्राइव किया तो कांग्रेस ने किया। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए जितने कानून हैं सब कांग्रेस के समय में हुए हैं, चाहे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड हो या 2008 का सिक्योरिटी हो, सोशल सिक्योरिटी हो, मनरेगा हो, राइट टू फूड हो, या लेबर कार्ड हो, या ई श्रम कार्ड। इस देश में जो 38 करोड़ ऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, केवल एंड केवल कांग्रेस ने ही उनके लिए किया है, और कोई पार्टी नहीं किया है न आगे करेगी। यह संदेश पूरे देश के ऑर्गेनाइज वर्कर को जाना चाहिए। कल एक बहुत बड़ी घटना हुई स्पीकर हॉल में, पूरे देश के बहुजन नेता, दलित नेता यहाँ सम्मेलन किया और फिर से बहुजन आंदोलन, बहुजन नेतृत्व सही रूप से उभरना चाहिए, कांग्रेस का साथ देना चाहिए। इत्तेफाक से मुझे नेता चुना गया है, इसलिए जो दलित, आदिवासी, पिछड़े तथा कथित बहुजनी और बाबा साहब के मानने वाले जो भ्रमित थे, अब वो कांग्रेस में आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।